तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओम के बारे में। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ ओम के बारे में, जिससे आप ओम बहुत अच्छा चलाने लग जाओगे। तो गाइज अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो आप बहुत अच्छी ओम चलाओगे। मैं भी यही टिप फॉलो करके ओम चलाता हूँ, तो लगभग मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी ओम चला ही लेता हूँ। तो अगर आपको भी चलानी है अच्छी वाली ओम तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना और एक एक टिप को अच्छे से देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है ओम चलाने के लिए। तो हमारी जो आज की टिप नंबर 1 है गाइज वो है ट्रिक। तो गाइज ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने कस्टम हर्ड में जाना है। कंट्रोल्स में जाके कस्टम हर्ड में जाके आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर बीच में एक प्लस बन रहा है, वहाँ पर आप कुछ भी ऐसा रख दो, जैसे इमोट रख दो या पेट का इमोट रख दो या आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर देखो मैंने इसके सेंटर में ये इमोट रखा है, तो आपको भी गाइज ऐसे ही करना है। उसके बाद साइज आप छोटा कर दो और ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा सा कम कर दो। अब इसका यूज़ क्या है गाइज ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज जब भी आप ओम चलाते हो ना, आपका जो ये पॉइंटर होता है तो ये गायब हो जाता है। अब देखो ये जो ड्रम है ये एनिमी मान लो, और मैं इसको फायर कर रहा हूँ विदाउट स्कोप, तो आपको पता ही नहीं है कि पॉइंटर है कहाँ, तो आपकी एक भी गोली उसको नहीं लगेगी। तो इस ट्रिक का फायदा क्या है गाइज, जब भी आप ये ट्रिक यूज करोगे तो वो जो इमोट होगा उस इमोट से आपको पता चल जाएगा कि आपका एम उस एनिमी पे है या नहीं। यहाँ पर देखो जैसे ही वो इमोट उसके ऊपर गया तो मैंने झट से फायर कर दिया, तो इससे मेरे को पता लग जाता है कि हाँ भाई जो एम है वो एनिमी के ऊपर है। अब मैं फायर करूंगा तो एनिमी को डैमेज पड़ेगा। तो एआर वाली गन पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इजीली आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है गाइस, इसको जरूर यूज करना। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 जो है सेंसिटिविटी। गाइस तो आपको क्या सेंसिटिविटी रखनी है, ऑलवेज आपकी जो सेंसिटिविटी होती है ओम के लिए वो होगी 100 से कम मत रखना, क्योंकि 100 अगर होगी तो मूव जल्दी करेगा। जब आप स्कोप खोलोगे तो वो मूवमेंट बहुत जल्दी करेगा। अगर आपने इसको कम रखा तो गाइस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ऑलवेज आपका जो स्कोप होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। अब अगर आपने ये 100 रखा हुआ है तो जब भी आप एनिमी के आसपास होगे तो देखो यहाँ पर स्कोप करने में और उसको घुमाने में कितनी आसानी हो रही है। ये देखो मैं कितनी आसानी से स्कोप को उसके पास लाके मार पा रहा हूँ। तो ऑलवेज आपकी जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए ओम के लिए वो 100 होनी चाहिए। 100 से बहुत अच्छा वाला एम होता है। यहाँ पर देखो मैं कितनी दूर हूँ लेकिन फिर भी उसको गोली लग रही है, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आराम से मूव हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3, होल्ड फायर टू स्कोप। तो गाइस जब भी आप खोलोगे अपनी सेटिंग्स तो वहां पर आपको मिलेगा AWM स्नाइपिंग। स्नाइपिंग में आपको एक दिख रहा होगा होल्ड फायर टू स्कोप। होल्ड टू फायर स्कोप ऑलवेज करके रखना, क्योंकि गाइस इसका क्या फायदा है, जब भी आप फायर बटन को दबाओगे ना, दबा के रखोगे तो वहां पर आपका स्कोप खुल जाएगा, और जैसे ही आप फायर बटन को छोड़ोगे वहां पर वो गन फायर कर देगी। तो मैं भी होल्ड फायर टू स्कोप पे खेलता हूँ, कभी कभी कोई एनिमी भाग रहा होता है तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें बहुत इजीली एनिमी को गोली लगती है। तो आपका जो हमेशा जो AWM स्नाइपिंग होनी चाहिए वो होल्ड फायर टू स्कोप पे होनी चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है गाइस, गन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपकी मर्जी है गाइस। देखो मैं जो हूँ वो यूज करता हूँ AWM के साथ एयर गन और लास्ट में एक मिनी शॉट गन। तो उससे क्या फायदा होता है गाइस, लॉन्ग रेंज में मैं एक ओम मार के एआर गन यूज कर लेता हूँ, और अगर वो क्लोज है तो मैं ये मिनी शॉट गन यूज करता हूँ। अगर आपके पास ये गन कॉम्बिनेशन है तो बेस्ट है गाइस। देखो ये गन कॉम्बिनेशन स्क्वाड में भी अच्छा है और सोलो में भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गाइस मैं ओम तो मार सकता हूँ लेकिन एआर गन से क्लोज रेंज में फाइट नहीं ले सकता, या मैं मिनी शॉट गन से फाइट नहीं ले सकता, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं,
आप ओम के साथ MP40 रख लो या MP40 से अच्छा है आप P90 रख लो, वो दोनों जगह काम आती है। तो मैं भी कभी कभी ऐसा ही करता हूँ, ओम के साथ या तो MP40 रख लेता हूँ या P90 रख लेता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एनिमी को मारने में। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या रखना चाहते हो। तो टिप नंबर 5 है हमारी स्किल, आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो गाइस ओम चलाने के लिए सबसे अच्छा कैरेक्टर जो है वो है लॉरा। लॉरा कैरेक्टर से क्या होता है गाइस, जब भी आप स्कोप खोलते हो तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो गाइस मैं यूज करता हूँ आलोक, और आलोक में हमेशा जो है लॉरा का यूज करता हूँ जब भी मैं ओम यूज करता हूँ। लॉरा से जब भी हम स्कोप खोलते हैं एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, और उससे आप एनिमी को बहुत इजीली शॉट मार सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास लॉरा कैरेक्टर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो भी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास लॉरा कैरेक्टर नहीं है तो मैं ये ऐसा इतना एक्यूरेट नहीं मार सकता, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट लॉरा के भी आप अच्छा शॉट मार सकते हो, बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, वो मैंने इस टिप्स एंड ट्रिक्स में बता दी है। तो गाइज होप है मुझे कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करोगे और एक अच्छी वाली ओम चलाना सीख जाओगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।